जब से केजरीवाल साहब आए हैं हम उनको ही जानते हैं और उनको ही मानते हैं। क्या नाम है आपके विधायक का? राजेश गुप्ता जी। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरे 10 में से भाई मैं तो 10 ही नंबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है अपना चुनावी रथ लेके दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में और पूछती है दिल्ली की जनता से एक सवाल कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, कैसे रहे केजरीवाल सरकार के 5 साल, क्या उनके विधायक आए आपके क्षेत्र में, कि आपके क्षेत्र का विकास क्या हो गया फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट वजीरपुर विधानसभा से। नाम है आपका? राकेश। राकेश जी आप कहाँ रहते हैं? वजीरपुर गाँव। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हाँ जी। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? केजरीवाल ने जो काम किया हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, बिजली पानी ये सब मुफ्त कराए, हमारे लिए कराए तो बहुत अच्छे हमारे केजरीवाल जी, उनको ही वोट मिलना चाहिए। और आपके विधायक कैसे हैं? हमारे विधायक जैनवन बंदे हैं। क्या नाम है आपके विधायक का? राजेश गुप्ता जी। क्या काम किया उन्होंने? काम जी लाइट वाइट लगवाई है पार्क में, अंधेरे में उजाला किया, उजालों में अंधेरा किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम किया, अंधेरे में उजाला, उजालों में अंधेरा जी, बहुत बढ़िया। विधायक के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। 10 में से कितना मार्क्स देंगे उनको? उनके पूरे 9 देंगे, 1 काट लेंगे। खुश हैं उनके काम? बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी कहाँ रहते हैं? वजीरपुर गांव। वजीरपुर गांव में चुनाव आता है तो वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आने वाली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? यही केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? वो सबका गरीबों का हितैषी है। गरीबों का हितैषी है? मसीहा है। मसीहा है। क्या किया उन्होंने ऐसा कि उन्हें मसीहा कहा जाए? बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे? जैसे पानी बिजली हर चीज की सुविधा दे रहा गरीबों को। और आपके विधायक कैसे हैं? विधायक बढ़िया। कौन है आपके विधायक? राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी आपके क्षेत्र में आते हैं, काम किया उन्होंने? आते हैं, नंगे पैर चले आते हैं। और क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया उन्होंने, जो गया उसका काम, सबका काम किया, सबका काम किया। हाँ। तो आपके विधायक के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरे 10 में से 20। 10 में से 20? आप फुल से भी ज्यादा? हाँ फुल से भी ज्यादा। 200%? बिल्कुल 200%। पन्नालाल पानी डबल पावर हाउस। पन्नालाल जी कहाँ रहते हैं आप? पन्नालाल जी अशोक विहार में। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आने वाले, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? वो केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? भाई वो हिंदुस्तान में सारे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, दिल्ली में जो काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब, वो कोई नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। हॉस्पिटल लो, गरीब आदमी लो, रईस आदमी लो, झुग्गी लो, जुआड़े लो, लेकिन तो केजरीवाल ने जो काम किया किसी ने नहीं किया। और आपके विधायक कौन है? विधायक केजरीवाल ही है हमारे, हम कोई नहीं है, हम किसी को मानते नहीं है। जब से केजरीवाल साहब आए हैं हम उनको ही जानते हैं और उनको ही मानते हैं, बाकी कोई नहीं है। यह कांग्रेस साहब हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ मेरे को 65 साल हो गए मेरा उम्र, देखने में इस वक्त तो केजरीवाल साहब हैं आगे। धन्यवाद। लाल जी जी कहाँ रहते हैं आप? वजीरपुर गांव में। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हाँ। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आ रही है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? भाई उसने अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छे काम किए? अरे किराया बिजली 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 पानी फ्री कर रखा, रेडी लगाने देते हैं। और आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जी ने आप लोग के लिए कुछ किया? राजेश गुप्ता जी ने बहुत काम किया है। बहुत काम किया? क्या काम किया उन्होंने? अरे सारी लाइनें नई बिछवाई हैं, सारी यहाँ की गांव की, ये बनवा दिया पानी की, ये बनवा दिया। उनके काम से खुश हैं आप? हाँ। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से भाई मैं तो 10 ही दूंगा। पूरा नंबर देंगे? पूरी नंबर देंगे। केजरीवाल को ही। खलील साहब आप कहाँ रहते हैं? हम बजीपुर गाँव में। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आ रही है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने? नहीं कोई फजीता नहीं, अच्छा खासा काम, फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और आपके विधायक कौन है? हमारे ये क्या नाम है, ये है ना राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी आप लोग आपके क्षेत्र में आए हैं, काम किया उन्होंने? हाँ सारे काम उन्हीं के करोगे, जो आते हैं आवाज़ सुनते हैं पूरन। तो विधायक के काम से खुश हैं? फर्स्ट क्लास एकदम ओके। मोहम्मद नियाज आलम। मोहम्मद नियाज आलम साहब कहाँ रहते हैं आप? WP 196। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हाँ जी।
इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आ रही है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? काम अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? सारे काम कर रहे हैं बढ़िया, हॉस्पिटल का, हर चीज का, जो भी है सब कुछ काम बढ़िया कर रहे हैं। और आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी आपके क्षेत्र में आए हैं, काम किया उन्होंने? हाँ काम कर रहे हैं अच्छा है। क्या काम किया उन्होंने? सारे काम बढ़िया किया। क्या काम बढ़िया किया? जितना भी है गरीबों का देखभाल, हॉस्पिटल, सब चीज बढ़िया ही है, सफाई सुथरा अच्छी है। तो विधायक के काम से खुश हैं आप? हाँ जी खुश है। तो इस बार दिल उनको विधायक उनके काम के लिए कितना नंबर देंगे आप 10 में से? सारे नंबर उनका। सारे नंबर उनका, यानी कि आप पूरी खुश, पूरी तरह से खुश हैं? खान खान साहब आप कहाँ रहते हैं? इसी वजीरपुर गांव में रहते हैं। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? केजरीवाल को करते हैं वोट। तो इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल होना चाहिए हमारे समझ से। केजरीवाल होना चाहिए? हाँ सही है। आपके विधायक कौन है? विधायक राजेश गुप्ता है। तो गुप्ता जी आपके क्षेत्र में आते हैं? आते हैं। काम किया उन्होंने? हाँ काम तो किए हैं, जो लगता है वो करता ही है काम गुप्ता। क्या काम किया उन्होंने? हर काम करता है, दिल्ली के लिए सबसे फर्स्ट क्लास का आदमी है केजरीवाल, सबसे बढ़िया है। तो आपके विधायक, आपके विधायक अपने विधायक के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से उसको 100 को 100 है, 100 के 100। हाँ पूरे नंबर देंगे। हाँ पूरे नंबर देंगे। धन्यवाद। हमारे सर सुदामा, सुदामा जी कहाँ रहते हैं? बजीपुर गाँव में। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं। इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? बढ़िया आदमी, जो बोलता है वो सही करता है, और बहुत कुछ दिल्ली पानी फ्री किया है और बहुत सही है, स्कूल का जो है माहौल बदल दिया है, बच्चों के लिए गरीब के लिए चाहिए क्या यार, तो ये सब जो है बढ़िया आदमी है केजरीवाल। और आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी आप लोग के क्षेत्र में आए हैं, काम किया उन्होंने? आते हैं बहुत, और बाकी बजीपुर गाँव में भी ठीक हो रहा है काम, ऐसी बात नहीं। काम किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल काम। क्या काम किया? अरे गली नाली वगैरह सब बढ़िया बन रही है, सीवर का काम अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए। तो विधायक के काम से खुश हैं? बिल्कुल सर। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे? 100%। 100%। हाँ बिल्कुल फुल मार्क्स जी। धन्यवाद। विद्यान नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? वजीरपुर गाँव में। चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हाँ। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आने वाली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल है। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? अब तो केजरीवाल का ही राज चला इस टाइम तो। आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी आप लोग के क्षेत्र में आए हैं, काम किया उन्होंने? वो तो कब मीटिंग होती है इनकी। काम किया उन्होंने? काम तो करते ही रहते हैं, केजरीवाल का ही राज चला 4-5 साल से। तो विधायक के काम से खुश हैं आप? हमारी गली में तो काम हुआ है वैसे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सड़क वड़क बनवाई इन्होंने, लाइट वाइट लगवाई हमारी गली में, जो खंभे वम्बे लगे, जो लाइट इन्होंने केजरीवाल की चल रही है। तो विधायक फ्री हो गया, लाइट भी फ्री हो गया उनकी। तो राजेश गुप्ता जी के काम से खुश हैं आप? हाँ खुश तो केजरीवाल के काम से खुश हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गली वली सब बनवा दी बढ़िया करके, और लाइट भी लगवा दी, और मीटर भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री कर दिया, इसी वजह से हमें कोई परेशानी ना रहे। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह साहब आप कहाँ रहते हैं? अरे वहीं नहीं रहा था फिर। तो चुनाव आता है तो वोट करते हैं? हम वो यार आई फिर वो लेकिन बात वोट करते हैं, मगर केजरीवाल हो गई भाई। हाँ तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल होने चाहिए? बढ़िया काम करता है। क्या काम किया उन्होंने? और आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। तो राजेश गुप्ता जी ने काम किया आप लोगों के लिए कुछ? हाँ किया। विधायक के काम से खुश हैं आप? हाँ। तो विधायक उनके काम के लिए 10 में से कितना नंबर देंगे? यार ज़्यादातर वही होना चाहिए, आगे दिखा लो, केजरीवाल होना चाहिए दिल्ली में, यहाँ केजरीवाल होना चाहिए। धन्यवाद।